Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to Byju's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, daily at 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. So today is 4th October, aaj 4 October hai, and we are here with today's the Hindu analysis. Okay, today is Tuesday. So you can see the important articles. First of all, this one is a very, 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 very important article. ये वाली आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड बात कर रही है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से रिलेटेड. सो रिसेंटली नोबेल प्राइज इन मेडिसिन हैव बीन अनाउंस्ड. ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, उसको अनाउंस किया गया अभी रिसेंटली, और इसीलिए ये वाले न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन हियर इट इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल आर्टिकल, सो यू कैन स्किप द पॉलिटिकल आर्टिकल, नो नीड टू रीड इन डिटेल. पॉलिटिकल आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है, आप स्किप कर दीजिए, वो आपके लिए काम का नहीं है. देन दीज टू वेयर आर्टिकल्स, मनरेगा बजट टू अकोमोडेट PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. सो वील बी डिस्कसिंग लिटिल बिट अबाउट इट. देन हेयर दिस एन आर्टिकल टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस इन ब्राजील. एक्चुअली तो ब्राजील में चुनाव चल रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव, उससे रिलेटेड जो न्यूज होगी उसको हम लोग जानेंगे. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूज रिलेटेड विद ब्राजीलियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस, गुड मॉर्निंग गाइस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड इट सेज स्वीडिश साइंटिस्ट सवंते पाबो, प्लीज रिमेंबर हिज नेम, यस हियर इट इज, हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर हिज डिस्कवरी कंसर्निंग जीनोम्स एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन. So you can see it here. This is his name. ये उनका नाम है सवंते पाबो. उनको किसमें नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी दिया गया है. ठीक है, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, देर इज अ टर्म कॉल्ड एज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी. इट्स नॉट साइकोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी. इसी को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन कहते हैं. बोथ आर सेम थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज. नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, सो नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी में कहा जाए या मेडिसिन में कहा जाए, दोनों सेम चीज होता है, दोनों में कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं होता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, दैट स्वीडिश साइंटिस्ट सवंते पाबो हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन. So, देखो अब क्या चीज से रिलेटेड उनको ये अवार्ड दिया गया है. तो पहले आप होमिनिन्स थोड़ा समझ लेना. देखो एक्चुअली होता क्या है, जो होमोसेपियंस है ना, वो उसी की रेस है, होमिनिन्स की ही से ही निकल के आया, होमिनिन्स से. सो होमोसेपियंस विच इज अ साइंटिफिक नेम्स फॉर ह्यूमंस. अभी जो इंसान है उनका साइंटिफिक नेम्स होमोसेपियंस है, और होमोसेपियंस यानी इंसान के जो जो पहले पूर्वज नस्ल थी उसको उसमें से एक मतलब उसी का एक पार्ट है. ठीक है, होमिनिन्स की और सारी नस्ल भी होती थी, लेकिन अब सिर्फ होमोसेपियंस एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सो होमोसेपियंस हैड डिफरेंट आई कैन से जीनोम्स, आई मीन बट ओनली होमोसेपियंस एग्जिस्ट. ठीक है, सो आप एक तरह से कह सकते हो कि इंसान के जो पूर्वज हैं उनके बारे में उन्होंने रिसर्च किया. यू कैन अंडरस्टैंड इन शॉर्ट लाइक दिस. Human evolution. Evolution, you understand? Like, there's a belief, there's a scientific belief that, yes, humans were earlier like monkey, then it became something else, then something else, something else. Then now we are having man today. Hai na? To isi ko pure ko evolution kehte hain. Yes. That is what is called as evolution. So evolution from, let's say, monkey or monkey, similar to monkey type animal, then we became over the time as man. So that is what he has researched about it. Genome ka matlab wahi hota hai, gene sequencing, right? Hai na? Gene samajhte ho, jo body ke andar jo chromosomes hoti hai, gene, right? So that gene research he has done to find out more about the ancestor, our ancestors, yani hamare pehle purvaj ke bare mein. So basically, you can see it here, he has done research on होमिनिन्स लाइक नियंडरथल एंड डेनिसोवन. ठीक है, ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नियंडरथल. सो दिस इज कॉल्ड एज नियंडरथल. ये ह्यूमंस के पहले का थोड़ा सा रेस माना जाता है. साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस वॉज, आई मीन बिफोर
करेंटली ह्यूमन इज लाइक दिस, बिफोर दैट ह्यूमंस अपीयर टू बी लाइक दिस। सो पहले के जमाने में इंसान कुछ ऐसा दिखते थे, उसको नियंडरथल नाम दिया जाता था। एंड देर वॉज वन मोर यू कैन से ह्यूमन स्पीसीज, इट इज कॉल्ड एज डेनिसोवन। ठीक है, इनफैक्ट दिस वॉज वंस आज आई थिंक इन यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो दिस क्वेश्चन इन प्रिलिम्स। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आज इन क्लैट ऑल्सो। वाई? बिकॉज नोबेल प्राइज इज राइट नाउ इन न्यूज, तो पूछा जा सकता है कि डेनिसोवन क्या है, तो आप बोलोगे कि इंसानों के पूर्वज है, राइट? सो द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस, है ना? सो दिस इज यू कैन सी द बाय कंपेयरिंग डीएनए सीक्वेंस, नोबेल प्राइज विनर सामंथा पाबू एंड हिज टीम फाउंड अ जीन फ्लो बिटवीन डेनिसोवंस एंड नियंडरथल्स। सो ये जो डेनिसोवंस है और नियंडरथल्स है, उनके बीच जीन कनेक्टिविटी कुछ फाइंड आउट किया उन लोगों ने, उस पर रिसर्च किया है। ओके, यस, सो यू शुड बी नोइंग इट। ओके, सो मतलब आप ये समझ सकते हो कि इंसान के एक तरह से पूर्वज है दीज टू, डेनिसोवेंस एंड नियंडरथल्स। सो उसी पर उन्होंने रिसर्च किया। सो द नोबेल प्राइज विनर हैज डन रिसर्च ऑन नियंडरथल्स एंड डेनिसोवेंस, व्हिच आर बेसिकली कंसिडर्ड एज आवर एंसेस्टर्स, आई मीन्स थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ ईयर्स बैक। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट इट। सेकेंड थिंग यू शुड बी नोइंग कि हिज फादर ऑल्सो गॉट द अवार्ड, उनके पापा को भी 1982 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला था। His father had also previously got the same award, that is Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1982, along with two other people, for the research related with biologically active substance, etc. यानी उनके पापा को भी 1982 में नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया गया था 1982 में। ठीक है, दो लोगों के साथ। So just have an idea about it. Okay? Is it clear? Yes or no, guys? Okay, yes. So please keep following this news because this is very very important. There's a homework, एक homework है, वो ये homework है। Go and find out that Nobel Prize is given in how many field, कितने field में दिया जाता है। Nobel Prize is very 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 important. इसको आप skip कर ही नहीं सकते हो, कोई scope ही नहीं है। So please ensure go and find out in which field Nobel Prize is given, and yes, it will be announced in future. Which country gives Which Nobel Award? कौन सा कंट्री, कौन सा मुल्क जो है नोबेल प्राइज देता है कौन कौन से फील्ड में? ओके, गो एंड फाइंड आउट। यस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज, यस, वी हैव डिस्कस्ड, ये दोनों लोग बाद में पढ़ेंगे, पेज नंबर 12, व्हेन पेज नंबर 12 में विल बी डिस्कसिंग इट। लेट्स मूव ऑन टू लिटिल बिट, थोड़ा सा ये वाला जान लेते हैं। मनरेगा बजट टू अकोमोडेट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सी, व्हाट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? हियर इट इज, प्रधानमंत्री PMKSY, है ना? सो इट इज एक्चुअली कृषि सिंचाई इज अ हिंदी वर्ड विच मींस क्रॉप इरिगेशन। यस, सो इफ यू नो हिंदी इट विल बी इजी फॉर यू, है ना? क्रॉप इरिगेशन स्कीम, PM's क्रॉप इरिगेशन स्कीम। देखो, अब इसके बारे में आपको यू हैव टू रीड योर ओन, बाई विच मिनिस्ट्री कम्स अप विद दिस, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, व्हाट आर द बेनिफिट्स इन दिस स्कीम, एटसेट्रा। तो कल एक हम लोगों ने सीरीज कराई थी, यस्टरडे आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड इट। जस्ट गो टू द गूगल, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए यूट्यूब पर बायजूस एग्जाम प्रेप क्लैट गवर्नमेंट स्कीम्स, जस्ट सर्च दिस, यू विल गेट दिस वीडियो, प्लीज वॉच इट। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, and this is very 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 important, so please go and watch it, this will be very very beneficial for you. ठीक है, because government scheme से there are chances that they would be giving questions this year in CLAT. CLAT 2023 में सवाल दे सकते हैं, पहले भी आए हैं, तो संभावना बहुत ज्यादा है कि government scheme से सवाल आएंगे। Okay, yes, now let's move on to the next second half of page one, which says these two are important articles. It says remove online betting ads, center tells TV channels, news websites. So you can see it here. So Ministry of Information and Broadcasting advised news portals, OTT platforms and private TV channels to refrain from publishing broadcasting ad of online betting. So online betting, आप समझते हो? सट्टा लगाना कहते हैं ना हिंदी में? Yes. So there are a lot of, I think, apps, websites, which actually talks about online betting. Okay, इसको advertisement करना को मना कर दिया गया है। So advertisement of this has been prohibited. Why? Because in many states it is illegal in many parts of India. लिखा है ना? बहुत सारे राज्य में ये
गैर कानूनी है बेटिंग करना यानी सट्टा लगाना। और तो इसीलिए सरकार ने, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जहां जहां जो जो वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पे, नेटफ्लिक्स अमेजन वगैरह पे या कोई और ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा पे अगर कोई ऐड होता है तो उसको हटा दीजिए। कोई न्यूज चैनल पे अगर हो रहा है टीवी चैनल्स पे तो वो हटा दीजिए। सो दैट इज व्हाट इट सेड कि इट हैज ऑर्डर्ड टू रिमूव ऑल द ऑनलाइन बेटिंग एडवर्टीजमेंट। व्हाई? बिकॉज इन मेनी स्टेट्स ऑनलाइन और बेटिंग इज यू कैन से प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड एंड देयरफॉर एडवर्टीजमेंट कैनॉट बी डन। राइट? इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ सरोगेट न्यूज वेबसाइट ऑपरेटेड बाई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म इट मे बी मेंशन दैट लोगोज ऑफ द कंसर्न न्यूज वेबसाइट आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू बेटिंग प्लेटफॉर्म। कई बार ये क्या आता है कि बहुत सारे बेटिंग प्लेटफॉर्म जो है उसका लोगो इस तरह बनाया जाता है जो कि सिमिलर हो कोई न्यूज चैनल से या कोई और प्राइवेट चैनल से, ताकि लोग जो है उसके ऊपर जाए समझे कि उसी प्लेटफॉर्म का है। ठीक है? सो दैट इज वॉट द वन थिंग इज कि वासा भी नहीं होना चाहिए, दैट इज वॉट द आइडिया इज, है ना? सो दीज आर द लॉज, ठीक है ना? प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एटसेट्रा, एंड दीज आर द लॉज दैट हैव बीन इन्वोक्ड। ओके, कैन एनीवन टेल मी कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? मिनिस्टर का नाम बताइए राइट इन द लाइव चैट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, सो द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इज मिस्टर अनुराग ठाकुर। सम पीपल आर आस्किंग सर सैंपल पेपर कब आएगा? जब आएगा तो वी विल इन्फॉर्म यू। ठीक है? हाँ। सो मिस्टर अनुराग ठाकुर इज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कुछ लोगों ने अश्वनी वैष्णव लिख दिया, नहीं, अश्वनी वैष्णव इज मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीटी और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दोनों डिफरेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है? सो डो नॉट गेट कंफ्यूज। सो अश्वनी वैष्णव इज मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इज मिस्टर अनुराग ठाकुर। ठीक है? सो डो नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, यस, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। वी आर सीइंग ओनली 19 लाइक्स, 40 इज वाचिंग, सो सबको लाइक बटन प्रेस कर दो फटाफट। यस, द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मे लिफ्ट आफ्सपा इन 4 स्टेट्स आफ्टर नागा पीस पैक्ट। नाउ आफ्सपा, आई होप यू आर अवेयर, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। सो द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इन 4 स्टेट्स आफ्टर नागा पीस पैक्ट अग्रीमेंट इट माइट रिवोक और रिमूव द आफ्सपा देयर, यानी उस रीजन में आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 4 राज्यों में हटा देगी सरकार, केंद्र सरकार, नागा पीस पैक्ट के बाद। ठीक है ना? आप देख सकते हो द अनसर्टेनिटी अराउंड कल्मिनेशन ऑफ नागा पीस प्रोसेस इज वन ऑफ द रीजन दैट लेड टू आफ्सपा बीइंग रिटेन, है ना, अनदर 6 मंथ्स। तो इसमें ये कह रहा है कि अभी अनसर्टेनिटी थी उसी कारण 6 महीने और बढ़ा दिया गया था, बट अब उम्मीद कर रहे हैं अंडर सेक्शन 3 द स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री हैव कंकरेंट पावर्स टू नोटिफाई एरियाज अंडर आफ्सपा। देखो पहले फर्स्ट आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज आफ्सपा पे इस साल क्वेश्चन आया था, so I'm expecting you all to answer it. Please answer this question. This is a question that was asked this year in CLAT 2022. I'm waiting for the answers. What is the right answer? And you people say, ki, sir, newspaper se question aate hain. I will show you just now that how a newspaper is so important for CLAT exam. I'll show you here. Theek hai na? First answer this question. And everyone, please press the like button. Subscribe to our channel. Sabko subscribe kar the channel ko. Yes. Yes, good. The right answer is majority of you are yes. Asmita, Yashasvi, Harshita, Yuskan, Sonal, Hariyom, Pandi, you all are right. D, all of the above is the right answer to this question. So basically, power to notify parts of or whole of state or union territory as a disturbed area under AFSPA is vested with. So it is D, all of the above is the right answer to this question. Ab dekho, yehi to yahan par likha hua bhi hai. Dekho, same article talks about it. Under section 3, dekho, yahan dekho, here it is. Under section 3, the state government and the ministry, the central ministry has concurrent powers to notify areas under AFSPA. Yani Kendra Sarkar aur Raj Sarkar, yani governor of a state aur Kendra Sarkar ho gaya. Aur agar union territory ho, the administrator of union territory, agar A aur B bhi sahi hai, toh D apne aap sahi ho jayega. Yes, so here it is mentioned here that yes, both have power to declare any area as a disturbed area. So that is why this question was asked. So D is the right answer to this question here. Okay? Yes.
यू शुड हैव आइडिया अबाउट दिस. तो यही बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से यूनियन केंद्रीय होम मिनिस्ट्री ने एंड स्टेट गवर्नमेंट हैड कंसिडर्ड रिड्यूस डिस्टर्ब एरियाज इन आसाम मणिपुर नागालैंड एटसेट्रा. यानी कि आसाम में मणिपुर नागालैंड में एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया को रिड्यूस करने की बात हुई थी. ठीक है. सो लेट्स सी दिस वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क रिलेटेड विद द सेम आफ्सपा. दिस वाज आस्क्ड दिस ईयर इन क्लैट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आफ्सपा एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. What is the right answer, guys? Yes, please write answer once only. Kuch log multiple times likh rahe hai na. Everyone, please press the like button. We are seeing 26 like, 45 is watching. Sabko like button press kar do. What is the right answer, guys? I still remember when I was teaching in the last year batch, I talked about Aram Charo Sharmila. Humko abhi bhi yaad hai ki maine inke bare mein discuss karaya tha. Yes, the right answer is both are correct. I still remember I talked this in my paid classes. Or ye to I hope you are aware this. You could have answered with the help of logic. So the right answer is C is the right answer. Yes, Alifia, Rakhi, Vanshika, Yashasvi, Gayatri, you are right. C is the right answer to this question. Okay, now the next one question. Again, this was asked in CLAT related with AFSPA. That is why I'm asking this question. In 2005, government appointed 5-member committee recommended that AFSPA to be repealed. इस कमेटी ने यह कहा था कि अफ्सपा को खत्म कर देना चाहिए. इट सजेस्टेड अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट कुड बी सुटेबली अमेंडमेंट टू डील विद द टेररिज्म. इट मेड दिस रिकमेंडेशन एज इट फेल्ट दैट अफ्सपा क्रिएटेड एन इंप्रेशन दैट पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट वर बीइंग टारगेटेड फॉर हॉस्टाइल ट्रीटमेंट. हु हेडेड दिस कमेटी? कौन सी कमेटी थी जिसने कहा था कि अफ्सपा हटा देने के लिए? यस, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी. यस, वेरी गुड. सोनल, आलेफिया, आदिति, पांडे, रिया, प्रीति, ऑल राइट. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वाई रीडिंग द हिंदू इज सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट. मैं आपको बताऊंगा कि क्यों द हिंदू अखबार पढ़ना क्लैट के लिए इतना आवश्यक है. बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल से सर कहां है बताओ, प्रूफ दिखाओ. यस, आई विल शो यू. सी, क्लैट एग्जाम दिस ईयर हैपेंड इन 19th जून. ये तो आपको पता होगा, इस साल 19 जून को एग्जाम हुआ था. ये देखो 4 अप्रैल के आर्टिकल है. सो जस्ट 2 months बैक है ना, ऑलमोस्ट 2 months बैक ये आर्टिकल है. क्या आर्टिकल है? फॉर अ फुल रिपील ऑन अफ्सपा लिखा है. इफ यू गो डाउन इस आर्टिकल में नीचे जाइएगा. If you go down, देखो लिखा for a full repeal on AFSPA लिखा है. Here it is written. The committee included 5-member committee led by retired Supreme Court Judge Justice B.P. Jeevan Reddy, है ना? Which steadfastly called for its repeal. लिखा है कि नहीं? Here it is written. Yes. ये कौन सी आर्टिकल है? Yes, the same thing. यहीं से पूरा question उठा दिया गया, है ना? And that created an impression that the people of the Northeast were being targeted for hostile treatment and UAPA could instead be suitably amended. ये statement है, पूरा यही statement को, exact this statement was copied here. देखो, यही चीज तो है. Exact statement was copied from the Hindu newspaper. ठीक है, अप्रैल 2022 कब का है? है ना, 4th अप्रैल 2022. Yes. They exactly copied it. सीधा सीधा कॉपी कर लिया यहाँ फ्लैट में. 4 अप्रैल 2022 का पेपर था और 19 जून 2022 को एग्जाम था. On 19th June 2022, there was an exam. And 2 months back, an article came. They just copied it and put it here. और पूछ दिया कौन सी कमिटी. ठीक है? Yes. That is why I say reading the Hindu newspaper is so important. बच्चे पूछते हैं सर ऐसी काम चल जाएगा, ये नोट्स वो नोट्स, ये मैगजीन वो मैगजीन से. नहीं सर, अखबार तो पढ़ना पड़ेगा. You have to read this newspaper because here it is the proof of how they give question. तो मैंने एक जगह दिखाया, otherwise if I keep on showing you the proof, then there are a lot of cases. ठीक है? मैंने एक proof दिखा दिया, how reading the Hindu is very important. एकदम copy कर लेते हैं वो, है ना? So that is what it is. Okay, there's a small announcement that from 1st October, we have started at 9 p.m. A-LET revision series on Tuesday, Thursday, Saturday. And for CLAT, Monday, Wednesday, Friday, Sunday at 9 p.m. So please subscribe to our channel and press the like button. So whenever we are putting a new video, jab bhi hum log naya video dalenge, you will get the notification. Yes, let's move on to the editorials. Ab hum log editorials ke taraf chalte hain. So let's read the first half. Now, this is very, very important article with the rupee under pressure. What next? He's written by ex-RBI governor. Former RBI governor hai. Mr. D. Subba Rao, he has written this article. So let's discuss about it. देखो उन्होंने क्या कहा है. Even without getting any quantitative measures of vulnerability, it is quite clear that rupee is under pressure.
इन द लास्ट वन ईयर इट डेप्रिशिएटेड बाई ओवर 10%, यानी लगभग 10% के आसपास ये डेप्रिसिएट कर गया है। मतलब अभी आई थिंक 81 के आसपास चल रहा है ना, सो इट्स 81, यानी पहले 72 73 था, पिछले एक साल में 81 के आसपास आ गया है ना, लगभग 10% डाउन हो गया। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग हैज क्रॉस्ड अ साइकोलॉजिकल मार्कर ऑफ 80 रुपीज डॉलर एंड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर डाउन बाई 100 बिलियन डॉलर। तो ये बताने कि अगर हम पिछले एक साल में देखेंगे तो इंडिया की रुपी डेप्रिसिएट की है या डी वैल्यू हुई है, जो भी आप वर्ड लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन या डी वैल्यूएशन, या रुपी हैज गॉट वीकेंड विद रेस्पेक्ट टू डॉलर, यानी रुपया जो है कमजोर हो गया है डॉलर के मुकाबले, 81 के आसपास चला गया। और आप देख सकते हो इफ यू सी इट हियर, तो 14 सितंबर से अगर आप देखोगे तो कमजोर ही हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब डॉलर रुपया बढ़ रहा है डॉलर के मुकाबले, मतलब रुपया 80 के ऊपर जा रहा है, राइट। सो यानी रुपया कमजोर हो रहा है, रुपी इज गेटिंग वीक। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, सो अगर हम पूरे साल भर का देखें तो फरवरी से खास करके, यू कैन सी इट हियर, फरवरी में 75 था, दिस ईयर इन फरवरी इट वॉज 75 एंड नाउ टुडे इन सेप्टेम्बर वी आर हैविंग 81, है ना। तो अगर पिछले 7-8 महीने में देखेंगे तो भी 75 से 81 की तरफ चला गया है। ओके, सो दैट इज वॉट जनवरी फरवरी के आसपास 75 था, नाउ वी आर हैविंग 81 के आसपास, 81-82, है ना। सो वी आर विटनेसिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, तो यही वो बता रहे हैं पहली चीज। दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन डॉलर तक घट गया है। सो यू कैन सी इट हियर, दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम रॉयटर्स ऑन 30th September, इंडियाज फॉरेन रिजर्व नॉचेस स्टीपेस्ट ड्रॉप इन 6 मंथ, यानी सबसे बहुत तेजी से नीचे गिरा है पिछले 6 महीने में, सबसे तेजी से गिरा है। And you can see according to 38 September Reuters article, it is $537.52 billion. I think पिछले साल शायद ये 600 पार कर गया था, जहां तक हमको याद आ रहा है, ठीक है। Now you will be thinking, sir, foreign exchange reserve का value भी पूछेंगे, here it is. देखो ये question है, this question was asked in CLAT 2020. ये 2020 का question है, ये तब पूछा गया था जब पहली बार pattern change हुआ था। When for the first time pattern got changed, this passage was given, okay? And the question was, देखो ये passage में क्या mentioned था? India now has record foreign exchange of one लिखा हुआ है और billion dollar. और फिर यहाँ question है पूछा था, what is one? Sorry. So it means indirectly it was asking कि वो one क्या है, यानी India का foreign exchange reserve क्या है? ये CLAT में 2020 में question आया था at that time, ठीक है? So yes, you should have a basic idea about कि कितना के आसपास चल रहा है, ठीक है। सो यू शुड बी नोइंग इट, अदरवाइज यू कैन नॉट आंसर इट इफ दे आर आस्किंग इट अगेन। तो अभी अंदाजा लगाना 537.52 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है अभी करेंटली, ठीक है। यस, दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन आपको तैयार रहना है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए, यस, बिकॉज ऐसा ना हो कि जो पहले आ चुका है वो उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा और आप नहीं आंसर कर पा रहे हो। यस, इफ द सिमिलर क्वेश्चंस वेर ऑलरेडी बीन आस्क्ड देन यू शुड आंसर इट दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यस, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो दैट इज व्हाट द ऑथर हैज सेड कि इट हैज गॉन डाउन 100 बिलियन डॉलर, ठीक है, यानी 100 बिलियन डॉलर नीचे चला गया है। अच्छा, उसके बहुत सारे रीजन बताया, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, वन ऑफ द रीजन इज द प्राइमरी वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट इज बिकॉज ऑफ वॉट, ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। द सेकेंड थिंग इज US फेडरल रिजर्व एग्रेसिव रेट हाइक, है ना, फेडरल रिजर्व एग्रेसिव रेट हाइक, है ना। तो दो रीजन उन्होंने बताया कि यूएस फेडरल रिजर्व यानी यूएस के सेंट्रल बैंक के कुछ पॉलिसी के कारण और तेल का दाम इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ने के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग, वाइडनिंग, है ना, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। देन लेट मी फर्दर, इंडिया आई बिलीव दैट दिस इज अ सिमिलर क्राइसिस। देखो वो बता रहे थे कि हम 2013 के आसपास, व्हेन आई वाज इन 2013, आई वाज द आरबीआई गवर्नर and similar situation was there as it is today. तो जैसा आज economy में परेशानी, मतलब ये सब चीजें issues आ रहे हैं, उस तरह का मेरे time पर जब हम RBI governor थे तो भी था. So that is what he is talking about. So India's current war chest of reserves inspires confidence that India lacked the debt, etc. and all. तो इसको आप पढ़ लीजिएगा detail में. Then he said कि recently अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीना में तो oil prices थोड़ा सा कम हुआ, जब war आया था फरवरी के आसपास तो एकदम 100 क्रॉस कर गया था ना, आई थिंक $100 per barrel, लेकिन अब I think he's saying it has declined, अब तो 88 के आसपास आ गया है ना, from above $80 to a barrel has since dropped to 88,
सो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अभी भी उतना हाई नहीं है, अब तो कम हो गया है. वॉर के टाइम पर स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द वॉर इट हैड गॉट इंक्रीज मोर देन $100 पर बैरल, बट नाउ इट इज कंपैरेटिवली नॉट दैट मच हाई, इट इज समवेयर अराउंड 88, तो थोड़ा सा कम हुआ है ना. दैट इज वॉट ही सेज. बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी स्टेम्स फ्रॉम करेंट अकाउंट डेफिसिट, अ ब्रॉडर मेजर्स द ट्रेड डेफिसिट बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट का इनविजिबल सच एज फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल टूरिज्म एक्सेट्रा एंड ऑल. देखो अब वो ये बता रहे हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट में, करेंट अकाउंट जो होता है इंडिया का करेंट अकाउंट है, उसमें क्या क्या आता है? ट्रेड्स आता है, ठीक है, सर्विसेज भी आता है इसमें, जैसे टूरिज्म, ठीक है. सो लाइक टूरिज्म, लेट मी शो यू. सो टूरिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विसेज. तो अगर इफ वी आर विटनेसिंग द डिक्लाइन इन टूरिज्म, सो द करेंट अकाउंट डेफिसिट विल वाइडन. सो करेंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो और फैल जाएगा, है ना, सरप्लस नहीं होगा, इसलिए कि हमारे पास डॉलर्स बाहर से नहीं आएंगे. अगर जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से लोग आ रहे हैं, है ना, और इंडिया में आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सो दैट विल इंक्रीज द डॉलर सप्लाई. बट करेंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा? जब जो सर्विसेज या जैसे टूरिज्म वगैरह है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो. उसका कारण है कोविड की वजह से लॉकडाउन एटसेट्रा एंड ऑल, राइट? दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, है ना. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, देन ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन डेफिसिट. ये क्या होता है? व्हाट इज ट्विन डेफिसिट? So, twin deficit is equal to fiscal deficit and plus current account deficit. If both are going very high, then it is called as twin deficit. अगर fiscal deficit और current account deficit दोनों बहुत high हो जाए तो उसको हम लोग twin deficit कहते हैं. Okay, just have an idea about it. These things he is talking about. Then last में कह रहे हैं कि अगर rupee weak रहा, and if a rupee is weak, it has inflationary tendency. इसलिए जब रुपया कमजोर होता है तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी होता है, यानी महंगाई बढ़ने का चांस होता है. बिकॉज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इंपोर्टेड एंड इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टली इन रुपी, यू कैन से व्हेन रुपी गेट्स वीक, ठीक है. तो जब अगर रुपी हम लोग कमजोर हो जाता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाती है. यस, ऑफकोर्स यू आर सीइंग द राइज इन प्राइसेस, महंगाई बढ़ गई इसी के कारण, राइट? सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ओके, यस, यस नेहा जोशी. देखो करेंट अकाउंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है. सो वन इज ट्रेड, ठीक है, उसमें फिर सर्विसेज होता है, डिफरेंट अमाउंट्स. अगर सिर्फ इसको एस्पेक्ट को लोगे तो ये ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा, अगर इसमें डेफिसिट है. और पूरे इंटायर करेंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो उसको हम करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं. इज इट क्लियर नेहा जोशी? गो इन चेक इट आफ्टर द क्लास इज ओवर. गो इन चेक करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट गूगल पे सर्च मारना, यू विल गेट इट. So if there is deficit only in trade aspect, it is called as trade deficit. In the entire current account, which contains not only trade but services and other things, if in the entire current account there is a deficit, that's called as current account deficit. Okay? Huh. Now there is a side article which was talking about infrastructure created as part of Jal Jeevan Mission, जो कि हम लोगों ने कल भी discuss किया था. That yes, under Jal Jeevan Ministry, Department of Drinking Water and Sanitation. 10.2 crore rural household or 53% of eligible population have got tap water connection, of which the government claims that 37% point rise from 2019. Yani 2019 ke muqable 37% logon ke paas aur tap water connection gaon mein hai aur ab 53% ho gaya hai. But according to the recent survey by a private agency, it was showing 62%, jo ki hum logon ne kal bhi discuss kiya tha. Yesterday we had discussed it, yes. That 62% of rural households have got fully functional tap water connection. यानी पूरी तरह tap water connection जो है वो 62% है. अभी recently एक private agency ने इसका recent audit किया तो पाया, ठीक है. Yes, Muskan Goel, correct. हाँ, CAD includes other things. हाँ. Okay, now let's talk about the survey. However, revealed wide disparities in achievement. This we have discussed. Please watch yesterday's class. We have discussed in detail. Watch yesterday's class, that is 3rd October ki the Hindu analysis. Please go and watch it and you will get to know about it in detail. Okay? Yes. Now the next is second half of the Hindu editorials. A decisive shift in the course on abortion rights. Actually, she is talking about recent Supreme Court judgment. Abhi ek recent Supreme Court ka judgment aaya that abortion can be extended. The same MTP act is valid for unmarried female also. Okay? So, like recently, a single woman residing in a Delhi approached Delhi High Court
seeking permission to terminate her 22-week-old pregnancy. The reason for her wanting a medical termination of pregnancy at this stage was a change in her personal circumstances. Her partner did not want to support her and the pregnancy anymore, etc. and all. So basically, ये हुआ कि वो 22 month की pregnant थी और उनको जो है वो abortion चाहिए था, but she was not married. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया ये कह के कि दिल्ली हाई कोर्ट refused to give it because MTP Act increased from 20 to 24 weeks now, है ना, after amendment. But this increment was only for married females, है ना. So if it is up to 20 weeks, it's fine. But if it is from 20 to 24 weeks, it is only for married females. So that is why Delhi High Court prohibited it. ठीक है, तो अगर 20 weeks से ज़्यादा का अगर child है और अगर unmarried lady है तो वो abortion नहीं करा सकती थी, ऐसा MTP Act में था. तो फिर Delhi High Court ने इसीलिए मना कर दिया. Refused to her permission by referring to the recent amendment which recognized the need for request of an MTP by an unmarried woman on grounds of contraceptive failure. However, this was only up to 20 weeks of gestational limit. A change in circumstances was available as per only for a married woman up to 24 weeks. So, 24 week wala limit jo married woman ke liye tha. Otherwise, unmarried woman ke liye 20 week tak chal sakta tha. To yehi Supreme Court ne kaha ki nahi aisa kyun hai? It should be extended for unmarried women also up to 24 weeks. Anna, that is what is being discussed here. Okay, so day of judgment started with this bits and pieces of information. Supreme Court on access to termination of pregnancy for women up to 24 weeks, irrespective of their marital status. In a 24 week tak, chahe wo married ho, chahe na married ho, un tak extend kar diya. Okay, I think that is what. So basically, the author is actually praising this. Anna. So unhone fir ye bataya ki abortion is not covered under MTP, then it becomes a criminal act. अगर MTP के माध्यम से MTP laws को follow करके अगर abortion नहीं किया गया तो of course a criminal act हो जाएगा. That is what is being talked about here. Then the court recognizing marital rape also, that is what is being discussed here also. That Supreme Court has recognized this also. In that case also, a woman can go for abortion. उस case में भी औरत abortion पर जा सकती है. That is what Supreme Court has said. Okay? Yes. MTP is Medical Termination of Pregnancy Act. Yes. MTP Act 1971. So under this law, a female can go abortion. ठीक है, अगर abortion करना होता है तो इसी कानून के तहत करना होता है. ठीक है, yes. So yes, you can see it here, है ना. So that is what the basically in short the author has actually praised the judgment, है ना. That you can understand. फिर एक साइड में आर्टिकल थी टॉकिंग अबाउट द स्टैम्पेड विच हैपेंड इन इंडोनेशिया बिकॉज ऑफ फुटबॉल मैच एंड ऑल. आपको पता होगा शायद कि फुटबॉल मैच के कारण. सो हियर इज इंडिया, दिस इज एक्चुअली इंडोनेशिया, है ना, दिस इज इंडोनेशिया. एंड हियर इंडोनेशिया में यहाँ पे एक जगह है जावा आइलैंड. इन जावा आइलैंड यहाँ पर ईस्ट में एक मलांग डिस्ट्रिक्ट है. ये जावा है ना, इन जावा हियर इट इज मलांग डिस्ट्रिक्ट. And in this Malang, actually what happened was stampede happened in football match. Football match mein stampede ho gaya, jiske karan bahut sare logon ki death ho gayi. Now the next is opinion page. Op-ed page mein ek article, I'm not going in detail, but just have a basic idea. Is Tamil Nadu's breakfast scheme populist or pertinent? Dekho, actually kya hai? Generally, there is a concept of midday meal scheme. Means we provide food in, let's say around 12 p.m. or 1 p.m. you can say children in government schools, है ना, सरकारी स्कूल में दोपहर में खाना मिलता है बच्चों को खाने के लिए. But Tamil Nadu has come up with the concept of breakfast as well. Means both midday means food also. I mean the lunch as well as breakfast will be given. तो सुबह में भोर में breakfast भी दिया जाएगा, ऐसा Tamil Nadu सरकार ने decide किया. So please remember they can ask this question that which government, state government has decided to give breakfast in government schools. So answer is Tamil Nadu. So he has analyzed whether it is correct or not and all. तो इसमें बहुत सारी बात ये की गई थी कि whether it should be considered as freebies. फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो food है, तो food cannot be considered as freebie. ये तो खाने की चीज दिया जा रहा है, ये तो basic rights है. So how can you call it as freebies, है ना? इसमें बहुत सारा argument है. He has discussed about it. So you can go and read about it in detail. Otherwise. इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एक जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए. बिकॉज ही हैज डिस्कस्ड द ऑथर हैज डिस्कस्ड अबाउट द बोथ द एस्पेक्ट, की फ्रीबीज होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या सही है कि नहीं है. सो बट यू शुड नो द फैक्ट्स कि तमिलनाडु ने ये स्टार्ट किया है. ओके, यस एवरीवन, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. यस.
Okay, what are the changes in the UAE's immigration rules? Has the UAE introduced entry visa that do not require etc. and all? देखो अब एक में एक चीज ये हुआ था कि यूएई जो है ना यूनाइटेड अरब इमीरेट्स उसने कुछ पॉलिसी चेंज की वीजा पॉलिसी विच वुड बी हेल्पफुल फॉर इंडियंस नॉन रेसिडेंट इंडियंस दोज हु स्टे आउटसाइड स्पेशली इन यूएई दे विल गेट बेनिफिट ठीक है सो इट हैज ईज द यू कैन से इट हैज ईज द पॉलिसी ऑफ वीजा एंड इमिग्रेशन यानी आसान कर दिया है और ठीक है सो इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल टू एक्सपैट्रिएट्स एक्सपैट्रिएट्स वही इंडियंस लिविंग अब्रॉड दे आर कॉल्ड एज एक्सपैट्स और एक्सपैट्रिएट्स इन्वेस्टर्स एंड टूरिस्ट ट्रैवलिंग इन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एटसेट्रा एंड ऑल ठीक है द ईयर एडवांस द एडवांस वीजा सिस्टम इंक्लूड्स 10 ईयर एक्सपेंडेड गोल्डन वीजा स्कीम एटसेट्रा एंड ऑल इसमें डिटेल में नहीं जाना बट ये सिर्फ पता होना चाहिए कि बिकॉज वी हैव डन सीपा अग्रीमेंट विद यूएई एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है सो यू कैन से इन शॉर्ट द यूएई हैज डन ease of rules so that Indians can easily come there है ना for a business and other purpose and all job purpose है ना so that is what is being discussed you can see it here अगर आप देखोगे द हिंदू वालों ने बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है so the UAE has most NRIs at 34 lakh so सबसे ज्यादा NRIs जो है ना देखो UAE में इतना ज्यादा है बाकी अगर आप देखोगे as compared to others so second is Saudi Arabia is here then USA is here then Kuwait is here Oman ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन एक्सपैट्रिएट्स कहाँ हैं तो यूएई में वाई ठीक है ना क्यों पूछ सकते हैं एग्जाम में बिकॉज रिसेंटली वी हैव डन सीपा अग्रीमेंट तो यूएई बहुत ज्यादा न्यूज में है ना इंटरनेशनल रिलेशन में यूएई हैज अ ह्यूज रोल एंड दैट इज वाई इट इज वेरी मच इन द न्यूज इंडक्शन ऑफ इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मार्क्स अ न्यू चैप्टर एयर चीफ देखो एक नया हेलीकॉप्टर है दैट इज कॉल्ड एज धनुष इसका नाम क्या है धनुष हेलीकॉप्टर so that has यहाँ पे लिखते हैं धनुष धनुष हेलीकॉप्टर दिस इज यू कैन सी इट हियर है ना लाइट कॉम्बैट एयर एल सी एच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर धनुष दिस इज द हेलीकॉप्टर दैट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली आप देख सकते हो दिस इज धनुष हेलीकॉप्टर ऑफकोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है एच ए एल है ना सो गो एंड रीड अबाउट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस पर एक क्वेश्चन आ भी चुका है 2020 में ओके यू कैन सी दीज आर सम ऑफ द इमेजेस ऑफ धनुष हेलीकॉप्टर ठीक है So just have an idea. Okay, yes. Anna. So just have an idea. The next 69% houses under Pradhan Mantri Awas Yojana in rural areas are owned by owned by women. So Pradhan Mantri PM Awas Yojana to provide houses actually for poor etc. Anna. उसमे 69% जो है वो women household hold करती है एक figure है recently अभी आया है ठीक है. partly or completely by women this is our data that has been recently released theek hai this manrega to fund to diverse to reverse desertification of land across the states isko padh lijiye but I don't think it's very important but go and have a read go and read it a little bit hai na ye wala important hai brazil to run off as leftist lula falls short of outright victory I have told you that jair bolsonaro and Luis Inacio Lula da Silva. These two are actually fighting the elections of president, but neither of them got 50% more than 50% vote. है ना? देखो लिखा ना है. Neither garnered a majority. एक को 48.4% आया लूला को और बोल्सोनारो को 43.2% आया. So most likely there will be a second round. तो दोबारा second round of voting होगा. Okay. In which they will get to know कि who will be the winner. तो 50% से ऊपर क्रॉस करना चाहिए मार्क्स. तो जेयर बोल्सोनारो जो अभी करंट प्रेसिडेंट को तो कम आया और लूला जो कि लेफ्टिस्ट है उनको 48.4% आया है यानी 50% क्रॉस नहीं किया सो लेट्स सी हु विल विन अगेन है ना सो यस गाइस प्लीज ज्वाइन आवर क्लासेस 45 प्लस मॉक्स 20 क्लैट 25 नॉन क्लैट मॉक टेस्ट 9000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिटेल मॉक एनालिसिस टेस्ट सीरीज क्रिएटेड बाय एनएलयू एलुमनाई So please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, download the Byju's exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Please press the like button. Thank you everyone.